अखबार में, सड़क पर, ट्रेन में, बस स्टैंड पर, बैंक में, दीवारों पर, हर तरफ एक पोस्टर चस्पा है। पोस्टर में लिखा है, मुफ्त टीकाकरण के लिए धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद तो एहसान का जताया जाता है, और पता नहीं देशवासियों को टीके लगाने का कर्तव्य पूरा करके भाजपा हुकूमत कौन सा एहसान कर रही है जिसके लिए जबरन धन्यवाद मोदी जी वाले पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। वैसे भी जितना खर्चा मोदी सरकार ने पोस्टर लगाने में किया वो तीसरी लहर की तैयारी पर करते तो बेहतर रहता। ये प्रोपोगंडा हुआ योग दिवस के अगले दिन। इन करोड़ों के विज्ञापनों के बीच एक सच्चाई दम तोड़ जाती है, वैक्सीन की कमी के चलते राज्यों में टीकाकरण बंद होने की। अरे मोदी जी, वैक्सीन तो तब लगेगी ना जब आप राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दोगे। आपने योग दिवस को तो रिकॉर्ड बना लिया वैक्सीन का, लेकिन बाकी दिन जनता को तरसा रहे हो, उसका क्या जवाब है? बिहार में वैक्सीन की किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ है। शनिवार को 20 लाख की आबादी वाले जमुई में 260 और 30 लाख की आबादी वाले बेगूसराय में मात्र 200 वैक्सीन पहुंची है। कहां से लगवाएं मुफ्त वैक्सीन? जो राजस्थान 15 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता रखता है, वहां के मुख्यमंत्री को वैक्सीन की सप्लाई के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। अधिकांश जिलों में टीकाकरण बंद करने की घोषणा करनी पड़ती है। कहां से लगवाएं मुफ्त वैक्सीन मोदी जी? राजस्थान और बिहार तो सिर्फ उदाहरण है, हर जगह स्थितियां भयावह हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए तो टीकाकरण 21 जून को सुबह सुबह टीवी पर प्रकट होने के साथ शुरू होकर 22 जून को अखबारों की मोटी मोटी हेडलाइन के साथ ही खत्म हो चुका था। अब लगाते रहो गुहार वैक्सीन के लिए, कहते रहो कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। न इस अहंकार में डूबी सरकार ने पहले सुनी और न ही अब की बार उम्मीद बची है। अब ये आप पर है कि ऐसी अहंकारी हुकूमत का क्या इलाज करते हो। जय हिंद।